हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू इक्वेटर एकेडमी देहरादून। और मैं लाया हूँ फिर से आपका एक छोटा सा एमसीक्यू जूलॉजी वीडियो आपके आने वाले लैब असिस्टेंट एलटी साइंस और पशुधन प्रसार अधिकारी के लिए। चलिए शुरुआत करते हैं इस वीडियो की। और मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि आप लोग के कितने क्वेश्चन सही हुए। चलिए पहला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट, क्या पता करना है आपको, इज इनकरेक्ट रिगार्डिंग बायलैटरल सिमेट्री। ठीक है, इसमें सिमेट्री को लेकर क्वेश्चन पूछा गया है कि इनमें से कौन सा स्टेटमेंट बायलैटरल सिमेट्री को लेकर गलत है। चारों स्टेटमेंट्स को आराम से पढ़ेंगे आप लोग और फिर डिसाइड करेंगे। चलिए बच्चों, आपको इसमें इनकरेक्ट स्टेटमेंट बताना था बायलैटरल सिमेट्री को लेकर। तो इसमें से जो इनकरेक्ट स्टेटमेंट है वो है आपका सी स्टेटमेंट जो दे रखा है, इट इज फाउंड इन ऑल इनवर्टिब्रेट। ठीक है, कि बायलैटरल सिमेट्री जो है सभी इनवर्टिब्रेट में मिलता है, जो कि गलत है, एंड फ्यू वर्टिब्रेट। ठीक है, ये पूरा का पूरा स्टेटमेंट जो है वो बिल्कुल गलत स्टेटमेंट या इनकरेक्ट स्टेटमेंट दे रखा है। अब थोड़ा सा इसका एक्सप्लेनेशन देखें तो बायलैटरल सिमेट्री क्या होती है। इट इज जनरली डिफाइंड एज बॉडी सिमेट्री वेयर द बॉडी कैन बी डिवाइडेड इनटू टू आइडेंटिकल हाफ्स इन ओनली वन प्लेन। जैसे कि आप नीचे देख रहे हो, ये आपका एक आइडेंटिकल हाफ है, ये आपका एक आइडेंटिफिकल हाफ है। ऐसे हमारे ह्यूमन बींग्स का एक आधा आइडेंटिकल हाफ हो गया और ये सेकेंड वाला आधा आइडेंटिकल हाफ हो गया। द राइट एंड लेफ्ट साइड ऑफ द बॉडी आर एग्जैक्टली द मिरर इमेज ऑफ ऑफ द ईच अदर। ये भी जरूरी है बायलैटरल सिमेट्रिकल में कि आप जो मिरर इमेज क्रिएट कर रहे हैं वो एक दूसरे के क्या होने चाहिए, आइडेंटिकल इमेज होनी चाहिए, या आइडेंटिकल कह सकते हो कि हाफ जो है वो एक दूसरे के होने चाहिए। ठीक है, दिस इज करेक्टरिस्टिक ऑफ ऑर्गेनिजम्स दैट आर फ्री मूविंग। ये भी इंपॉर्टेंट है, बायलैटरल सिमेट्रिकल ज्यादातर उनमें ही मिलेगा जो फ्री मूविंग होते हैं। एन एग्जाम्पल ऑफ बीएस इज सीन इन ह्यूमन बींग, जैसे मैंने शुरू में बताया था, द लाइन ऑफ सिमेट्री जो ये बीच से लाइन जा रही है रनिंग लॉन्गिट्यूडनली फ्रॉम हेड टू टेल। जैसे ये मान लीजिए हेड है, ये हेड है, हेड टू टेल नीचे तक जा रही है। थ्रू द सेंटर डिवाइड्स द बॉडी इंटू टू सिमिलर पार्ट एक्सटर्नल। द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इंटरनल ऑर्गन डज नॉट फॉलो द सिमेट्री पैटर्न। ठीक है, लाइक एनिलिडा, आर्थ्रोपोडा, मोलस्का और क्वाड्रेटा। अब इसका मतलब क्या हुआ कि ये सिमेट्री इंटरनली इतनी फॉलो नहीं होती। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल अगर हम ह्यूमंस की बात करें अपनी, हमारा हार्ट यहाँ पर होता है, हमारा लिवर जो है उसका 70% जो है राइट हैंड साइड पे होता है। तो अगर हम इसको बीच से बांट रहे हैं इंसान को, तो ऐसा नहीं है कि लिवर बिल्कुल बराबर डिवाइड हो रहा है या हार्ट बिल्कुल बराबर डिवाइड हो रहा है। इस बात को यहाँ पर इस तरीके से बोला गया है। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 2 है आपका। आपको मैज ऑफ फॉलोइंग का ये बताना है सिमेट्री। आइडेंटिफाई टाइप ऑफ सिमेट्री इन गिवन एनिमल ए एंड बी। ये आपका एक ए एनिमल है और एक बी एनिमल है, आपको बताना है कि इनमें से कौन सी बिल्कुल सही सिमेट्री बताई गई। बहुत ही ऐसा अच्छा क्वेश्चन है और मेरे ख्याल से आप सबका ये सही होना चाहिए। चलिए बच्चों, उसका सीधा आंसर जो भी मैं इतना डिस्कस कर चुका हूँ तो आपने आंसर बिल्कुल सही निकाला होगा। इसका आंसर सी है, यानी कि जो ए है उसमें रेडियल सिमेट्री दिख रही है आप लोग, इसमें रेडियल सिमेट्री दिखी है। और जो बी है आपका क्रैब, इसमें क्या दिखेगी आपको, बायलैटरल सिमेट्री आपको दिखेगी। बिल्कुल हाफ बी से अगर आप बांटेंगे यहाँ से तो बराबर बराबर क्या बनेगी, इमेज बनेगी। यहाँ पर रेडियल सिमेट्री और बायलैटरल सिमेट्री को फिर से कुछ मैंने समझाया है, एक बार देख लेते हैं क्या है। रेडियल सिमेट्रिकल में क्या होता है, अराउंड द सेंट्रल एक्सिस
रेडियल सिमेट्री प्रोड्यूस आइडेंटिकल बॉडी हाफ, इसमें क्या होता है, अलोंग दी सेजिटल या सेजिटल प्लेन बाइलेटरल सिमेट्री क्रिएट जस्ट टू साइड्स लेफ्ट एंड राइट। ठीक है, टू साइड हमेशा बनते हैं रिटर्न लाइफ, इसमें हो सकता है कि दो से ज्यादा हो, चार साइड बन जाए, छह साइड बन जाए, पांच बन जाए, ऐसे करके। फिर आरएस में क्या है, बॉडी इज नॉट सेपरेटेड इनटू लेफ्ट एंड राइट, इसमें मैंने बताया कि राइट और लेफ्ट में सेपरेटेड होती है। फिर थर्ड पॉइंट देखें, बॉडी कंपोनेंट्स जो होते हैं दैट आर सिमिलर आर प्लेस्ड इन अ रेगुलर पैटर्न अराउंड द सेंट्रल एक्सिस। ठीक है, अगर ऐसे करके सेंट्रल एक्सिस है तो उसके चारों ओर होंगे। इसमें क्या है, सिमिलर बॉडली कंपोनेंट्स आर सिमिलर डिस्ट्रीब्यूटेड ऑन द बोथ साइड लेफ्ट एंड राइट। फिर फोर्थ आपका डिफरेंस क्या है, इट इज अनकॉमन फॉर हेड टू इमर्ज अहेड ऑफ बॉडी। इसमें क्या है, फोर्थ में नॉट द ट्रेट इज द फॉर्मेशन ऑफ हेड इन फ्रंट ऑफ द ऑर्गेनिज्म, बॉडी हमेशा आगे की तरफ हेड रहेगा। एग्जाम्पल है इसके जो आर एफ के है, रेडियल सिमेट्री के एग्जाम्पल्स क्या क्या है, सी अर्चिन्स हो गया, सी एनिमॉन्स हो गया, जेली फिश हो गया, स्टार फिश हो गया, ये सब। और इसके हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, हम ह्यूमन बींग्स, इंसेक्ट, क्रैब, ये सब आपके क्या है, बायलैटरल सिमेट्रिकल के एग्जाम्पल। ये रेडियल सिमेट्रिकल को फिर से डायग्रामेटिक तरीके से समझाया गया है। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे आप लोग, ये आपका थर्ड क्वेश्चन है, डिप्लोब्लास्टिक एंड ट्रिप्लोब्लास्टिक आर टर्म दैट डिस्क्राइब्ड। चलिए तो ये जो डिप्लोब्लास्टिक है और जो ट्रिप्लोब्लास्टिक है, ये टर्म्स क्या हैं, इसका जो आंसर है बच्चों वो है आपका सी आंसर, द नंबर ऑफ जर्मन जर्मिनल लेयर्स। ठीक है, नंबर ऑफ जर्मिनल लेयर्स ड्यूरिंग एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट। और इसको देख लेते हैं डिप्लोब्लास्टिक एनिमल के बारे में और थोड़ा ट्रिप्लोब्लास्टिक के बारे में। ड्यूरिंग गैस्टुलेशन, पहले ध्यान रखना मोरूला गैस्टुला है ना, सॉरी मोरूला ब्लास्टुला और गैस्ट्रुला, कुछ इस तरीके से जो है डेवलपमेंट होता है। तो ड्यूरिंग गैस्ट्रुलेशन डिप्लोब्लास्टिक एनिमल्स क्रिएट टू जर्म्स लेयर, जिनके नाम क्या है, इंडोडर्म और एक्टोडर्म। तो भाई डिप्लोब्लास्टिक में दो लेयर आपको मिलेंगे, इंडो और एक्टो। देन जो डिप्लोब्लास्टिक एनिमल्स होते हैं, क्रिएचर्स हैव रेडियल सिमेट्री, तो ये भी एक आपको कॉमन फीचर आपस में मिलेगा कि अगर रेडियल सिमेट्रिकल एनिमल है तो मोस्ट चांसेस क्या होंगे कि वो लोग क्या होंगे, डिप्लोब्लास्टिक एनिमल्स होंगे। देयर आर नो बॉडी कैविटी, जो खाली जगह होती है, और मीसोडर्म इन देम। द इंडोडर्म जो अंदर की लेयर है फॉर्म्स रियल टिश्यू एंड स्टमक इन दीज एनिमल्स, वेयर एज जो इक्टोडर्म होती है जो कि बाहर की लेयर होती है डिप्लोब्लास्टिक में, फॉर्म्स एपिडर्मिस, नर्वस टिश्यू एंड नेफ्रिटी। दे आरंट कॉम्प्लेक्स, सिंपल बॉडी होती है एंड डोंट हैव ऑर्गन्स, या ऑर्गन सिस्टम पर्टिकुलर इतने भारी भरकम ऑर्गन्स नहीं होते हैं। एग्जाम्पल जेलीफिश हो गया और कोरल रीफ्स आपके हो गए। ये आपके कुछ गैस्ट्रुलेशन की जो प्रोसेस होती है, जिसमें मैं आप लोग को समझाना चाह रहा था कि पहले क्या बनता है आपका, मोरूला हो गया, ब्लास्टुला हो गया, गैस्ट्रुला हो गया, इसी में आपकी क्या बननी शुरू हो जाती है, जो दो लेयर्स हैं या तीन जो लेयर्स है, जिसके बेसिस पे हम लोग डिप्लोब्लास्टिक और क्या करते हैं, ट्रिप्लोब्लास्टिक में डिवाइड करते हैं। ये आपका देख रहे हैं, ये ब्लास्टोस्पोर बन रहा है, यही ब्लास्टोस्पोर अगर क्या बन जाता है, फिर एनस या माउथ बन जाता है, तो उसकी ही बेसिस पे हम प्रोटोड्यूटरोस्टोम या ड्यूटरोस्टोम क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं। ट्रिप्लोब्लास्टिक के फीचर्स देख लेते हैं, इनमें क्या होती है, इंडोडर्म होता है, एक्टो होता है, मीसो होता है, आर द थ्री जर्म लेयर प्रोड्यूस बाय ट्रिप्लोब्लास्टिक एनिमल्स। दीज एनिमल्स आर बायलैटरल सिमेट्रिकली, ठीक है, दे हैव सीलोम, अच्छी खासी अंदर खाली जगह होती है एंड बॉडी कैविटी होती है। इंडोडर्म जो सबसे अंदर की लेयर है क्या बनाती है, फॉर्मेशन ऑफ लिवर, लंग, कोलन, यूरिनरी ब्लैडर, स्टमक। ठीक है, तो ये आपको ध्यान में रखना है कि भाई ट्रिप्लोब्लास्टिक एनिमल में लिवर किससे बना, तो आपने रट्टा मारना है इंडोडर्म से। लंग किससे बना, इंडोडर्म से। कोलन किससे बना, इंडोडर्म से। यूरिनरी ब्लैडर किससे बना, इंडोडर्म से।
और स्टमक किससे बना? इंडो डर्म से। जबकि हेयर, आईज, लेंस, ब्रेन्स एंड स्पाइनल कॉर्ड आर मेड अप फ्रॉम एक्टोडर्म, जो कि बाहर की आपकी लेयर होती है। ठीक है, हेयर हो गया, आई हो गया, लेंस हो गया, ब्रेन हो गया, स्पाइनल कॉर्ड हो गया। देन ट्रिपल ब्लास्टिक आर मोर कॉम्प्लिकेटेड एंड हैव व्हाट ऑर्गन सिस्टम ऑफ लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन? मोलस्का, वॉर्म्स, आर्थ्रोपोडा आर द बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ, और हम मैमल्स आपके वो क्या हो गए, ट्रिप्लोब्लास्टिक एनिमल्स के सबसे बेस्ट एग्जाम्पल माने जाते हैं। चलिए आगे की तरफ बढ़ते हैं, आगे का सवाल देखते हैं। ये सवाल देखने से पहले ये तीन लेयर और दिखा रखी है मैंने, इसको आपको रट्टा मार लेना है। एक्टोबार की हो गई, ये आपका क्या है, डिप्लोब्लास्टिक है, ये आपका ट्रिप्लोब्लास्टिक है। कुछ इस तरीके से डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन अगर आपके सामने रहे, इमेज रहे, तो आपको हमेशा याद रहती है। तो एक्टो हो गई बाहर की, इंडो हो गई अंदर की, और अंदर की जो आपकी हो गई मीसोग्लिया या मीसोडर्म आपका हो गया। चलिए अगला क्वेश्चन, ये अब आप आराम से कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, इतना बताया मैंने तो, द फिगर यहाँ पे जो तीन फिगर्स आपकी दे रखी हैं, गिवन बिलो शो थ्री टाइप ऑफ सिलोम, आइडेंटिफाई देम, सेलेक्ट द करेक्ट ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म विच पोजेसेस देम। ठीक है, तो इससे आपको बताना है क्या है। ए कौन सी लेयर दिखा रही है, जो ए वाला है ये कौन सा लेयर है, बी वाला जो है ये कौन सा लेयर है, और सी वाला कौन सा लेयर है। अच्छा क्वेश्चन है ये। चलिए इसकी हम लोग अगर बात करें तो इसका जो आंसर बनेगा, विकल्प सही निकाला होगा आप लोगों ने, इसका आंसर है डी, यानी कि जो ए है वो आपका क्या है, इकाइनोडर्मस को शो कर रहा है। बी जो है वो किस तरीके का आपका सीलोम है, आर्थोपोडा में पाया जाता है, और सी वाला सीलोम जो है वो प्लेटी हेलमिंथीज में पाया जाता है। नहीं, एक मिनट रुकी जाए, एक क्वेश्चन थोड़ा सा ऊपर नीचे हो गया मेरे ख्याल से, रुकिए। सीलोम को लेके आंसर थोड़ा सा, नहीं एक मिनट, ये थोड़ा सा गलत आंसर हो गया है। नहीं, ये वाला आपका आंसर बनेगा ए, लेटी में सी सी बराबर ए वाला बनेगा। ये आपका ऐसा एलिडिया में पाया जाता है, और बी जो स्ट्रक्चर है वो आपका एस्केल्वेंथीज में मिलता है, और ये सी वाला जो है वो प्लेटी हेलमेंथीज में मिलता है। ठीक है, ये जो आपके तीन जो लेयर्स दिखाए गए उसमें। चलिए आगे बढ़ते हैं, तो पहले इसको समझ लेते हैं किस तरीके से है आपका सीलोम के बारे में। द सीलोम इज वन ऑफ द कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ मेटाजोआ। ठीक है, हमने पढ़ा था प्रोटोजोआ किंगडम क्लासिफिकेशन में प्रोटोजोआ और मेटाजोआ होते हैं, तो मेटाजोआ का एक स्पेशल फीचर होता है सीलोम। द ट्रू सीलोम इज अ बॉडी कैविटी, कैविटी मीन्स खाली जगह, फॉर्म्ड ड्यूरिंग द एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट फ्रॉम द थ्री जर्म्स लेयर। अभी तीन जर्म्स लेयर के बारे में पढ़ा था आप लोगों ने, एक्टो हो गया, मीसो हो गया, इंडो हो गया। द बॉडी कैविटी मीनिंग अ फ्लूइड फिल्ड स्पेस, जो जगह होती है, दैट कैन एकोमोडेट ऑर्गन्स, यानी कि आपकी बॉडी कैविटी में आपके जो इंटरनल ऑर्गन्स होते हैं, ठीक है, बॉडी कैविटी में वो आपके रखे होते हैं, जो इंटरनल ऑर्गन्स आपके होते हैं। द सीलोम इज लाइंड बाय, जो अंदर से लाइनिंग होती है, मीसोडर्मल इपिथीलियम सेल। तो देखो ये एक आपका पहला एमसीक्यू क्वेश्चन बन गया, ये आपको रट्टा मारना है कि जो सीलोम होता है इंटरनली किससे लाइंड होता है आपका। ठीक है, इंटरनली लाइनिंग आपसे पूछ सकता है, तो भाई आपने टिक करना है कि जो सीलोम होता है इंटरनली जो है वो मीसोडर्मल इपिथीलियम सेल से लाइंड होता है।
प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ सीलोम वन ऑफ द क्राइटेरिया फॉर क्लासिफिकेशन ऑफ एनिमल। ठीक है, अब इसको इस डायग्राम को जरा देख लो गौर से। ये आपकी क्या हो गई, एक्टोडर्म हो गई। थ्री जर्म लेयर में पहली आपकी जर्म लेयर हो गई एक्टोडर्म, जो कि बाहर है स्किन। मीसोडर्म जो है आपकी क्या हो गई, सेकेंड जर्म लेयर हो गई, जो कि मसल्स हो गई आपकी। फिर उसके बाद अगर आप देखें तो क्या होती है आपकी, ये सीलोम आपकी आ गई बीच में, ये आपकी सीलोम आ गई बीच में, खाली जगह कह सकते हो, इसमें ऑर्गन्स रखे होते हैं। और ठीक उसके अंदर आपका गट या इंडोडर्म की लेयर आपकी होती है। ठीक है, ये आपके हरे क्या दिखा रखा है, इंटरनल ऑर्गन। ठीक है, तो इस तरीके से थोड़ा सा आप लोग को जो इमेजिनेशन है अपना रखना है। फिर इस डायग्राम में भी आपको साफ साफ दिख रहा है, एक्टोडर्म पहली लेयर हो गई बाहर की तरफ, मीसोडर्म दूसरी जर्म लेयर हो गई, इंडोडर्म, यानी कि अब आपको देखो यहाँ से क्या क्या समझ में आ रहा है कि मीसोडर्म जो सेकेंड जर्म लेयर है और जो एंडोडर्म है थर्ड जर्म लेयर है, उसके बीच में आपकी क्या होती है, सिलोम होती है। और इसी सिलोम में आपके क्या रखे होते हैं, ऑर्गन्स या इंटरनल ऑर्गन्स रखे होते हैं। अब इसी बेसिस पर अगर आप देखो कि अगर ए सिलोमेट है तो वो इंडोडर्म के बाद वो आपको इंटरनल ऑर्गन दिख रहा है। अगर यू सिलोमेट है आपके, जैसे एनिडा, मोलस्का, आर्थ्रोपोडा, इकाइरोडर्मेटा, हम कॉर्डेटा में, तो उसमें साफ साफ हमारे क्या होगी, सीलोम के बीच में मीसो और इंडो होगी आपकी, और इंडो के अंदर फिर आपका वो होगा ऑर्गन्स होंगे, तो सॉरी गट होगा। और फिर सीडो सिलोम यानी कि झूठी आपकी एक तरीके की सिलोम बनती है, जो कि राउंड वर्म में बनती है। ये डेफिनेशन आपकी अगर देख लें एक बार, तो सीलोम इज ए सिलोमेट में क्या होता है, सीलोम इज एबसेंट, साफ साफ लिखा हुआ है। ब्लास्टोसील इज कम्प्लीटली ऑक्यूपाइड बाई मीसोडर्म, जैसे कि एग्जाम्पल पॉरीफेरा, सिलेंट्रेटा और फ्लैटवर्म में प्लैटीहेलमिंथिस। तो ये आपके एग्जाम के लिए एग्जाम्पल बहुत इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन क्या पूछता है कि आपके पॉरीफेरा और सिलेंट्रेटा या निडेरिया या फ्लैटवर्म में कैसी आपकी सीलोम होती है, ऑप्शंस में आपके होंगे। तो ऑप्शंस में आपको ए सिलोमेट टिक करके आना है, तो रटा मार लो ए सिलोमेट जो है वो पॉरीफेरा हो गई, सिलेंट्रेटा हो गई और आपका फ्लैटवर्म या प्लैटीहेलमिंथिस हो गया। वहीं पे सीडो सिलोमेट क्या होता है, ट्रू सिलोम इज नॉट प्रेजेंट, जैसे ऊपर में था, बट द ब्लास्टोसोर इज पार्शली फिल्ड बाई मीसोडर्मल सेल। तो ये जो पार्शली फिल्ड होता है ये सीडो सिलोम की एक अपेरेंस दे देता है। द बॉडी कैविटी इज लाइंड बाई मीसोडर्म एंड ओनली टुवर्ड्स द बॉडी वॉल एंड मीसोडर्म इज नॉट प्रेजेंट टुवर्ड्स द गट, जैसे कि सिलोम में होता है। इसका सबसे बेस्ट एग्जाम्पल बस आपको क्या टिक करके आना है, राउंड वर्म या एस्कारमेंथिस। तो ये रट्टा मार लो सीडो सिलोमेट का एग्जाम्पल आपका राउंड वर्म या एस्कारमेंथिस आपके होते हैं। और ए सिलोमेट की बात करें, एनिमल दैट हैव ट्रू सिलोम, जैसे हम ह्यूमन बींग्स में है, सिलोम इज लाइन बाई मीसोडर्म, बड़ा इंपॉर्टेंट बात है, ऑन बोथ द साइड। ये खासियत है सिलोमेट की या ट्रू सिलोम की, कि दोनों साइड से ही क्या होते हैं, ये लाइंड होते हैं आपके। ठीक है, ये एक आपको ध्यान में रखना है। एग्जाम्पल एनिडा टू वॉट कॉर्डेटा, इसी बेसिस फोटो और ड्यूटोरो आपके बनाए गए। ठीक है, तो ये आपको थोड़ा सा इसको आप पढ़ लीजिए। ये कुछ इंपॉर्टेंट कुछ क्वेश्चंस मैंने रखे थे और उनका डिटेल रखा, जिससे आपका एक कॉन्सेप्ट है एनिकल किंगडम में अबाउट दी रेडियल सिमेट्रिकल, बायलैटरल सिमेट्रिकल, ए सिलोमेट, सिलोमेट, सीडो सिलोमेट, प्रोटोस्टोम्स, ड्यूटोरोस्टोम्स, वो कॉन्सेप्ट आपका क्या हो जाए, क्लियर हो जाए। तो अभी तक अगर आप मेरे साथ बने हुए हैं इस वीडियो में, तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।